आपस में ये लड़ाई केंद्र और प्रदेश की है। केशव मौर्य एक पपेट की तरह, एक मुखौटे की तरह काम कर रहे हैं। पूरी लड़ाई केंद्र और प्रदेश की है। एक आखिरी सवाल और है सर, योगी जी ने आज विधानसभा पर एक सवाल और है, गोरखपुर छोड़ा गया, निश्चित तौर से इसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। हरशंकर तिवारी एक जन नेता थे, कई बार के विधायक मंत्री थे, उनका बिल्कुल वहाँ मूर्ति लगनी चाहिए और वहाँ के लोग स्वेच्छा से लगा रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? वो निश्चित तौर से शंकर तिवारी की मूर्ति लगनी चाहिए, हम उसका समर्थन करते हैं। आपस में ये लड़ाई केंद्र और प्रदेश की है। केशव मौर्य एक पपेट की तरह, एक मुखौटे की तरह काम कर रहे हैं। पूरी लड़ाई केंद्र और प्रदेश की है। एक आखिरी सवाल और है सर, योगी जी ने आज विधानसभा पर एक सवाल और है, गोरखपुर छोड़ा गया, निश्चित तौर से इसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। हरशंकर तिवारी एक जन नेता थे, कई बार के विधायक मंत्री थे, उनका बिल्कुल वहाँ मूर्ति लगनी चाहिए और वहाँ के लोग स्वेच्छा से लगा रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? वो निश्चित तौर से शंकर तिवारी की मूर्ति लगनी चाहिए, हम उसका समर्थन करते हैं। आपस में ये लड़ाई केंद्र और प्रदेश की है। केशव मौर्य एक पपेट की तरह, एक मुखौटे की तरह काम कर रहे हैं। पूरी लड़ाई केंद्र और प्रदेश की है। एक आखिरी सवाल और है सर, योगी जी ने आज विधानसभा पर एक सवाल और है, गोरखपुर छोड़ा छोड़ा गया, निश्चित तौर से इसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। हरशंकर तिवारी एक जन नेता थे, कई बार के विधायक मंत्री थे, उनका बिल्कुल वहाँ मूर्ति लगनी चाहिए और वहाँ के लोग स्वेच्छा से लगा रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? वो निश्चित तौर से शंकर तिवारी की मूर्ति लगनी चाहिए, हम उसका समर्थन करते हैं। आपस में ये लड़ाई केंद्र और प्रदेश की है। केशव मौर्य एक पपेट की तरह, एक मुखौटे की तरह काम कर रहे हैं। पूरी लड़ाई केंद्र और प्रदेश की है। एक आखिरी सवाल और है सर, योगी जी ने आज विधानसभा पर एक सवाल और है, गोरखपुर छोड़ा छोड़ा गया, निश्चित तौर से इसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। हरशंकर तिवारी एक जन नेता थे, कई बार के विधायक मंत्री थे, उनका बिल्कुल वहाँ मूर्ति लगनी चाहिए और वहाँ के लोग स्वेच्छा से लगा रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? वो निश्चित तौर से शंकर तिवारी की मूर्ति लगनी चाहिए, हम उसका समर्थन करते हैं।